अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। फिजिकल चेंजेस क्या हैं, केमिकल चेंजेस क्या हैं, आज हमने इस बारे में पढ़ना है। द चेंजेस विच टेक प्लेस इन सब्सटेंस, किसी भी सब्सटेंस के अंदर जो चेंजेस होती हैं उसको दो ग्रुप्स में डिवाइड किया है। एक है जी फिजिकल चेंज और दूसरी है केमिकल चेंज। इन दोनों को आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे पहले है जी फिजिकल चेंज। अ चेंज इन द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सब्सटेंस इज कॉल्ड फिजिकल चेंज। ऐसा चेंज जो उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज में चेंज ले आए, किसी भी सब्सटेंस में जो चेंज आता है उसके फिजिकल प्रॉपर्टीज में, ठीक हो गया, उसको फिजिकल चेंज कहेंगे। फिजिकल चेंज इज अ टेम्परेरी चेंज, ये एक टेम्परेरी चेंज होता है, थोड़ी देर के लिए होता है, उसके बाद दोबारा से अपनी असल हालत में आ जाता है। द फॉर्म ऑफ सब्सटेंस अपीयर्स एज द रिजल्ट ऑफ फिजिकल चेंज कैन बी रिवर्स इनटू इट्स ओरिजिनल फॉर्म बाय सिंपल फिजिकल मेथड। एक फिजिकल मेथड होता है और उसके जरिए वो दोबारा से जो सब्सटेंस है वो दोबारा से जो है रिवर्स हो जाता है और ओरिजिनल हालत में वापस आ जाता है। एग्जाम्पल देखते हैं, वाटर ऑन फ्रीजिंग चेंजेस इनटू आइस। जब पानी को हम फ्रीज करते हैं तो बर्फ बन जाती है, ठीक हो गया। विच कैन बी रिवर्स टू लिक्विड वाटर ऑन हीटिंग, और उसके बाद वो रिवर्स होती है। लिक्विड वाटर जो है जब लिक्विड वाटर को हीट अप करेंगे हम तो वो इवेपोरेट हो जाएगा। वाटर ऑन हीटिंग चेंजेस इनटू स्टीम विच कैन बी रिवर्स टू लिक्विड वाटर ऑन कूलिंग। अब यहाँ पे आपको एक साइकिल दिया गया है, ऐसे बात करेंगे तो आपको समझ नहीं आएगी, और अगर हम डायग्राम को देख के एक प्रैक्टिकली बात करेंगे तो बहुत अच्छे से आपको समझ आ जाएगी। कन्वर्जन ऑफ वन स्टेट ऑफ वाटर टू अनदर, यहाँ पे एक आइस क्यूब है, उसको जब गर्मी में रखेंगे तो वो मेल्ट हो जाएगा, वैसे भी 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर वो मेल्ट हो जाएगा। लिक्विड वाटर बन गया, उसको जब बॉयल करेंगे तो वो स्टीम बन गया, और स्टीम को जब हम कंडेंस करेंगे 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर, उसको कंडेंसेस एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड, स्टीम को अगर हम करना चाहें तो वो लिक्विड वाटर में आ जाएगी, और लिक्विड वाटर को दोबारा से हम फ्रीज कर सकते हैं 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर और वो आइस क्यूब बन जाएगा दोबारा से। तो इस तरह से ये फिजिकल चेंज जो इसमें आया था वो दोबारा से हमने उसको कवर अप कर लिया, रिवर्स हो गया। ड्यूरिंग फिजिकल चेंजेस सब्सटेंस डू नॉट लूज देयर केमिकल स्ट्रक्चर, लेकिन उनका जो केमिकल स्ट्रक्चर है उसको लूज नहीं करते वो फिजिकल चेंजेस के दौरान। एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, और उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज जो हैं वो वैसे की रहती हैं, उनमें कोई चेंजेस नहीं होते। अदर एग्जाम्पल्स ऑफ फिजिकल चेंजेस आर गिवन बिलो। नीचे हमारे पास हीटिंग ऑफ जिंक ऑक्साइड है, नीचे एग्जाम्पल उन्होंने हमें दिए हैं ताकि हम फिजिकल चेंजेस की समझ आ सके। जिंक ऑक्साइड इज अ वाइट सॉलिड सब्सटेंस, यहाँ पे हमें एक एक्टिविटी भी दिखाई गई है। जिंक ऑक्साइड जो है ये वाइट कलर का सॉलिड सब्सटेंस है, इट्स कलर चेंजेस फ्रॉम वाइट टू येलो ऑन हीटिंग। जब इसको हीटअप हम करते हैं तो इसका वाइट कलर जो है वो येलो में टर्न हो जाता है, ठीक हो गया। एंड देन ऑन कूलिंग, जब हम इसको दोबारा से कूल करते हैं तो इसका जो ओरिजिनल कलर है वाइट कलर वो वापस आ जाता है। दिस चेंज ऑफ कलर इज अ फिजिकल चेंज, तो ये कलर का जो चेंज है ये फिजिकल चेंज है, ठीक हो गया, वो दोबारा से हो जाता है, ठीक हो गया। नेक्स्ट है हीटिंग ऑफ नाइक्रोम वायर। नाइक्रोम वायर इज अ सिल्वर ग्रे इन कलर, ये जो वायर है ये सिल्वर ग्रे इसका कलर है, लेकिन जब इसको हम हीट करते हैं ये पहले रेड कलर की हो जाती है हॉट एंड देन वाइट हॉट हो जाती है, ठीक हो गया। लेकिन जब हम इसको कूल करते हैं तो दोबारा से अपने ओरिजिनल कलर में ये वापस आ जाती है। ये इसमें इसकी केमिकल चेंजेस हैं, इसकी सॉरी फिजिकल चेंजेस हैं, इसमें केमिकल चेंज कोई नहीं हुआ, ठीक हो गया। डिजॉल्व इन कॉमन साल्ट इन वाटर, व्हेन सम कॉमन साल्ट इज मिक्स्ड इन वाटर, जब पानी के अंदर हम साल्ट को डिजॉल्व कर देते हैं तो वो डिजॉल्व हो जाता है, हल हो जाता है, ये उसका फिजिकल चेंज है, लेकिन साल्ट जो है उसका केमिकली जो है वो सेम है, ठीक है, सॉल्यूशन के अंदर। और जब हम उस सॉल्यूशन को बॉयल करेंगे तो हम उसको सेपरेट कर सकते हैं, तो बॉयल करने पे हम उसको सेपरेट आउट कर सकते हैं, वाटर इवेपोरेट हो जाता है, जो नीचे वाइट रेजिड्यू रह जाएगा वो हमारा कॉमन साल्ट जो है वो पीछे रह जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास केमिकल चेंजेस और केमिकल रिएक्शंस के, केमिकल चेंजेस क्या हैं, केमिकल रिएक्शंस क्या हैं, और ये सब्सटेंस में कैसे होते हैं। चेंज इन केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सब्सटेंस इज कॉल्ड केमिकल चेंज। केमिकल प्रॉपर्टीज में जो चेंज आता है किसी भी सब्सटेंस पे उसको हम कहते हैं केमिकल चेंज।
एज केमिकल प्रॉपर्टीज आर एसोसिएटेड विद केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ सब्सटेंस, जैसा कि केमिकल प्रॉपर्टीज जो है वो किसी भी सब्सटेंस का जो केमिकल स्ट्रक्चर है उससे एसोसिएट करता है, तो जो भी केमिकल स्ट्रक्चर में चेंज आएगा किसी भी सब्सटेंस के केमिकल स्ट्रक्चर में जो चेंज आएगा या किसी ज़्यादा सब्सटेंसेस के, विच रिजल्ट्स इनटू न्यू काइंड्स ऑफ सब्सटेंसेस, तो एक नया सब्सटेंस बन जाएगा जिसकी मुख्तलिफ प्रॉपर्टीज होंगी, तो इसको हम क्या कहेंगे, केमिकल चेंज कहेंगे या इसको केमिकल रिएक्शन भी बोल सकते हैं। ड्यूरिंग केमिकल चेंजेस एंटायरली न्यू सब्सटेंसेस विद डिफरेंट फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज आर फॉर्म्ड, जबकि जब कोई भी केमिकल चेंज होता है तो एक बिल्कुल ही नया सब्सटेंस बन जाता है, उसकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज पिछले सब्सटेंस से बिल्कुल ही डिफरेंट होती हैं, ऐसा सब्सटेंस बन जाता है। These new substances cannot be reversed into their original form, और जब ये एक substance बनता है और दोबारा से वो अपनी original form में नहीं आता, ठीक हो गया, जैसे rusting of iron है, burning of fuel है, जब हम fuel को जला देते हैं, लकड़ियाँ जला देते हैं, तो वो दोबारा अपनी असल हालत में नहीं आ सकती, ठीक हो गया, लोहे को जंग लग जाए तो दोबारा से अपनी असल हालत में नहीं आता, डाइजेशन ऑफ फूड, एक दफ़ा खाना हजम हो जाए तो दोबारा से वो पहले जैसा खाना तो नहीं बन सकता ना, तो ये हमारे केमिकल चेंजेस है, ये हमारे केमिकल चेंजेस और केमिकल रिएक्शंस की एग्जांपल्स दी गई हैं। द थिंग्स विच टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन, ऐसी चीज़ें जो केमिकल रिएक्शन में हिस्सा लेती हैं उनको रिएक्टेंट्स बोलते हैं। द न्यू सब्सटेंसेस विच आर प्रोड्यूस्ड इन केमिकल रिएक्शन, जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होता है उसके अंदर जो न्यू सब्सटेंसेस बनते हैं उनको हम प्रोडक्ट्स कहते हैं रिएक्शन का। तो रोल ऑफ ऑक्सीजन इन नेचुरल केमिकल रिएक्शंस, नेचुरल केमिकल रिएक्शंस जो होते हैं उसके अंदर ऑक्सीजन का क्या रोल है, ऑक्सीजन क्या रोल प्ले करती है, उसको आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले है कम्बस्शन, व्हेन वी रब अ मैच स्टिक ऑन द साइड ऑफ मैच बॉक्स, हमारे पास जो माचिस का डब्बा है, ठीक है, उसको मैच बॉक्स की साइड पे जब हम मैच स्टिक को रब करते हैं, रगड़ते हैं, इट बिगिंस टू बर्न, तो वो जल जाती है। द प्रोसेस ऑफ बर्निंग इज कॉल्ड कम्बस्शन, और इस बर्निंग के प्रोसेस को, जलने के प्रोसेस को क्या कहते हैं, कम्बस्शन कहते हैं। कम्बस्शन इज अ केमिकल चेंज विच अपीयर्स व्हेन ऑक्सीजन ऑफ एयर रिएक्ट्स विद फ्यूल लाइक कोल एटसेट्रा। कम्बस्शन एक ऐसा केमिकल चेंज है, ये कब अपेयर होता है, जब हवा के अंदर जो ऑक्सीजन मौजूद है वो हमारा कोई भी फ्यूल है जैसे कोल है उसके साथ जब ऑक्सीजन रिएक्ट करती है तो उसकी वजह से ये केमिकल चेंज होता है और कम्बस्शन प्रोड्यूस होती है। अब हमारे मैच स्टिक के आगे एक क्या लगा हुआ है, हमारे पास फ्यूल है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, तो जब हम उसको रब करेंगे हमारे पास एयर में जो ऑक्सीजन मौजूद है वो उसके साथ रिएक्ट करेगी और वहाँ से केमिकल चेंज होगा और कम्बस्शन। यहाँ पे आपको नजर आ रहा है कार्बन प्लस ऑक्सीजन, ठीक है, कार्बन के साथ ऑक्सीजन ने रिएक्ट किया तो कार्बन डाइऑक्साइड प्लस हीट प्रोड्यूस हुई, ठीक है। उसके बाद है रस्टिंग, इट इज़ आवर जनरल ऑब्जर्वेशन दैट थिंग्स मेड ऑफ आयरन गेट्स रस्टेड इफ प्लेस्ड इन ओपन एयर फॉर अ फ्यू डेज, हमने अक्सर नोट किया है कि अगर हम कोई भी लोहे की बनी हुई चीज़ें जो हैं वो खुली फिजा में रखते हैं, ठीक है, ओपन एयर में रखते हैं कुछ दिनों के लिए, तो आहिस्ता आहिस्ता उसको जंग लगना शुरू हो जाता है। रस्टिंग बेसिकली क्या है, जंग लगने को कहते हैं रस्टिंग। तो रस्टिंग जो है ये केमिकल चेंज है ड्यूरिंग विच ऑक्सीजन इन द मोइस्ट एयर रिएक्ट्स विद आयरन, हमारी हवा में जो नमी है और उस नमी के अंदर जो ऑक्सीजन प्रेजेंट है वो क्या करती है, वो आयरन के साथ रिएक्ट करती है। आयरन का फॉर्मूला हमारे पास Fe है, ठीक है, टू कन्वर्ट इनटू आयरन ऑक्साइड, और वो उसके साथ रिएक्ट करके क्या बना देती है, आयरन ऑक्साइड बना देती है जिसको हम रस्ट भी बोलते हैं, जंग लग जाता है, ठीक है। Fe plus O2 यानी आयरन के साथ ऑक्सीजन ने रिएक्ट किया मॉइस्ट एयर में जो थी, ठीक है, तो हमारे पास क्या बना, आयरन ऑक्साइड जिसका फॉर्मूला है Fe2O3 और जिसको हम रस्ट भी बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद है टार्निशिंग, टार्निशिंग क्या है, केमिकल रिएक्शन ऑफ ऑक्सीजन विद अदर सब्सटेंसेस इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन, केमिकल रिएक्शन जब होता है ऑक्सीजन का दूसरे सब्सटेंसेस के साथ तो उसको ऑक्सीडेशन बोलते हैं। वी हैव लर्नड कम्बस्शन एंड रस्टिंग एज एग्जांपल्स ऑफ ऑक्सीडेशन, हमने पीछे कम्बस्शन को रस्टिंग को पढ़ा है किसकी एग्जाम्पल में, ऑक्सीडेशन की एग्जाम्पल में। टार्निशिंग इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ ऑक्सीडेशन, टार्निशिंग जो है ये भी ऑक्सीडेशन की ही एग्जाम्पल है, और अब हम पढ़ेंगे कि टार्निशिंग बेसिकली चीज़ क्या है, क्या होता है टार्निश। मुझे पता है आप क्यूरियस हैं कि टार्निश बेसिकली है क्या, मैं बता नहीं रही हूँ आपको, लेकिन मैं आपको रीडिंग करके साथ साथ बताऊँगी ताकि आपको एक एक जुमले की अच्छी तरह समझ आ जाए। टार्निश इज अ थिन फिल्म ऑफ कोरोजन दैट फॉर्म्स ऑन द सर्फेस ऑफ ऑब्जेक्ट मेड ऑफ सिल्वर, कॉपर, ब्रास, एलुमिनियम, मैग्नीशियम, हमारे पास कोई भी ऑब्जेक्ट है जो सिल्वर से बना हुआ है,
कॉपर से बना हुआ है, ब्रास, एल्यूमिनियम या मैग्नीशियम से, इन चीज़ों से मिलकर जो ऑब्जेक्ट बना हुआ है उसके ऊपर एक कोट टाइप कुछ हो जाता है, क्रोयन हो जाती है, ठीक है, उसकी सरफेस के ऊपर, उसको हम क्या कहते हैं, टार्निश, ठीक है। द थिन लेयर फॉर्म्ड ऑन ऑब्जेक्ट बाय टार्निशिंग इज डल ब्लैकिश और ग्रेश इन कलर। और ये किस कलर में होती है, डल हो जाती है ब्लैकिश कलर में या ग्रेश कलर में। यहाँ पे आपको कॉइंस नज़र आ रहे होंगे और इनके कलर में ये डिफरेंस भी नज़र आ रहा होगा, ये क्या है, ये टार्निशिंग, ठीक है, ये टार्निश हुए हैं। टार्निशिंग हैपन्स व्हेन एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन रिएक्ट विद दीज सब्सटेंसेस। ये होता कब है कि जब एटमॉस्फेयर के अंदर जो ऑक्सीजन प्रेजेंट है वो जब इन सब्सटेंसेस के साथ रिएक्ट करती है तो तब ये हैपन्स होती है, ठीक है, तब ये अकर होती है। इट ऑल्सो अकर्स व्हेन नॉन मेटल्स अदर देन ऑक्सीजन। ये तब भी होती है कि जब नॉन मेटल्स जो हैं ऑक्सीजन के अलावा जो नॉन मेटल्स है, सल्फर रिएक्ट विद आउटर सरफेस ऑफ मेटल ऑब्जेक्ट। तो जो भी मेटल का ऑब्जेक्ट है उसकी आउटर सरफेस जो है उसके साथ जब सल्फर रिएक्ट करेगा, ठीक है, तो फिर ये सरफेस क्रिएट हो जाएगी, टार्निश अकर हो जाएगी। अनलाइक क्रेयन और रस्ट, क्रेयन और रस्ट के से मुखालिफ के तौर पे, यानी उनसे अनलाइक के उनकी तरह नहीं, टार्निश इज अ सरफेस फिनोमेना, ये सिर्फ सरफेस फिनोमेना है, ठीक है। टार्निश कैन ऑल्सो बी काज बाय द रिएक्शन विद हाइड्रोजन सल्फाइड और सल्फर डाइऑक्साइड। ये इस तब भी काज हो सकता है अगर हाइड्रोजन सल्फाइड और सल्फर ऑक्साइड जो है एक दूसरे से रिएक्ट करें, तब भी ये अकर हो सकता है। सिल्वर नीड्स हाइड्रोजन सल्फाइड टू टार्निश। सिल्वर को हाइड्रोजन सल्फाइड की ज़रूरत होती है टार्निश करने के लिए। इट कैन टार्निश विद ऑक्सीजन ओवर टाइम, जब वक्त गुजरने के साथ साथ ही ऑक्सीजन के साथ टार्निश होता है। सिल्वर के साथ हाइड्रोजन सल्फाइड और ऑक्सीजन जो है ये मिलेंगे और सिल्वर सल्फाइड प्लस वाटर क्रिएट होगा। नेक्स्ट है हमारे पास हीटिंग ऑफ शुगर। शुगर को अगर हम हीटअप करते हैं तो क्या होता है, व्हेन शुगर इज हीटेड स्ट्रॉन्गली, अगर चीनी को बहुत ज़्यादा गर्म किया जाए, स्ट्रॉन्गली गर्म किया जाए, इट इज़ चेंज्ड इनटू अ ब्लैक मैस ऑफ कार्बन एंड वाटर। तो ये क्या हो जाती है, ये एक ब्लैक मैस के अंदर चेंज हो जाती है, जो क्या है, कार्बन और वाटर है, ठीक है। वाटर एवेपोरेट्स इन द फॉर्म ऑफ स्टीम, पानी जो है वो भाप बन के उड़ जाता है। वाटर एंड कार्बन आर केमिकली क्वाइट डिफरेंट सब्सटेंसेस, ये दोनों एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं केमिकली, ठीक है, फ्रॉम द शुगर से। दे कैन नॉट बी कन्वर्टेड बैक इन टू शुगर बाई फिजिकल मैथड, लेकिन ये दोबारा से जो है फिजिकल मैथड के जरिए शुगर में कन्वर्ट नहीं हो सकते हैं। सो दिस इज़ अ केमिकल चेंज, तो ये एक केमिकल चेंज है कि तो एक दफ़ा जो वो अपनी शक्ल उन्होंने खो दी है तो दोबारा से वो उस शक्ल में नहीं जा सकते। तो शुगर जो है C12H22O11, ठीक है, शुगर का फॉर्मूला, इसको हीटअप किया तो इसने कार्बन और वाटर हमें प्रोवाइड किया। उसके बाद है हीटिंग ऑफ पोटाशियम क्लोरेट। पोटाशियम क्लोरेट को हीट करेंगे तो क्या होगा, वैन अ स्मॉल अमाउंट ऑफ पोटाशियम क्लोरेट इज हीटेड इन अ टेस्ट ट्यूब। जब एक टेस्ट ट्यूब के अंदर, टेस्ट ट्यूब क्या है हमारे पास, एक लंबी सी ट्यूब टाइप, हमारे पास फ्लास्क टाइप कुछ होता है, ठीक है, लेबॉरेटरी में, तो उसको जब हम, जैसे कि ये हमारे पास टेस्ट ट्यूब थी, ठीक है, यहाँ पे जब हमने शुगर को हीटअप किया तो ये हमारे पास टेस्ट ट्यूब है। तो इसी तरह जब हम पोटाशियम क्लोरेट में को एक टेस्ट ट्यूब के अंदर हीट करेंगे, इट फर्स्ट मेल्ट्स इनटू अ क्लियर लिक्विड, तो सबसे पहले वो मेल्ट होगा, एक लिक्विड बना देगा, ठीक है। ऑन फर्दर हीटिंग, लेकिन जब हम उसको और हीट करते जाएंगे, बबल्स ऑफ गैस एस्केप फ्रॉम इट, तो बबल ऑफ गैस के बबल्स बनते जाएंगे और वहाँ से निकलते जाएंगे। एंड अ वाइट सॉलिड पोटाशियम क्लोराइड इज लेफ्ट, और वहाँ पे वाइट कलर का सॉलिड किस्म का, ठीक है, ठोस पोटाशियम क्लोराइड जो है वो पीछे रह जाएगा टेस्ट ट्यूब के अंदर। द गैस गिवन ऑफ इज ऑक्सीजन, और जो गैस गिवन ऑफ हुई है वो क्या थी, ऑक्सीजन थी। पोटाशियम क्लोरेट का फॉर्मूला दिया हुआ है और इसको क्या इससे बना, पोटाशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन। पोटाशियम क्लोराइड एंड ऑक्सीजन आर क्वाइट डिफरेंट। पोटाशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन जो है वो केमिकली पोटाशियम क्लोरेट से डिफरेंट है, ठीक है। बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम इन एयर, एयर का जो, एयर में मैग्नीशियम की बर्निंग होती है उसको देख लेते हैं। व्हेन अ पीस ऑफ मैग्नीशियम रिबन इज हीटेड इन एयर, अगर एक मैग्नीशियम रिबन को हवा के अंदर हीट अप किया जाए, इट बर्न्स ब्राइटली एंड अ वाइट एश इज फॉर्म, तो ये बर्न कर जाएगा, ठीक है, और उसकी वाइट कलर की जो राख है वो बनेगी। दिस वाइट एश इज अ न्यू सब्सटेंस, लेकिन वो जो राख है वो एक नया सब्सटेंस बन गया है। मैग्नीशियम ऑक्साइड विद डिफरेंट कंपोजिशन एंड प्रॉपर्टीज, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया है वो, और उसकी कंपोजिशन, उसकी प्रॉपर्टीज मैग्नीशियम और ऑक्सीजन से बिल्कुल डिफरेंट है। तो मैग्नीशियम को जब हमने किया तो उसमें से ऑक्सीजन और मैग्नीशियम ऑक्साइड हमें मिला। तो आज हमारा जो टॉपिक है, बल्कि यहाँ पे हमारे पास कंपैरिजन बिटवीन फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस है, इसको भी देख लेते हैं। फिजिकल चेंज क्या है, इट इन्वॉल्व्स अ चेंज इन फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सब्सटेंस, किसी भी सब्सटेंस के अंदर उसकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है उनमें चेंज आ जाना फिजिकल चेंज कहलाता है।
केमिकल चेंज क्या है? इट इन्वॉल्व द चेंज इन केमिकल प्रॉपर्टीज. किसी भी सब्सटेंस की जो केमिकल प्रॉपर्टीज हैं उनके अंदर जो तब्दीली आती है उसको हम केमिकल चेंज बोलते हैं. द केमिकल कंपोजिशन ऑफ सब्सटेंस डज नॉट चेंज. फिजिकल चेंज के अंदर जो केमिकल कंपोजिशन होती है किसी भी सब्सटेंस की वो चेंज नहीं होती, तब्दील नहीं होती. द केमिकल कंपोजिशन ऑफ सब्सटेंसेस चेंज एंड न्यू सब्सटेंसेस विद डिफरेंट प्रॉपर्टीज आर फॉर्म्ड. केमिकल कंपोजिशन जो सब्सटेंस की है वो चेंज हो जाती है और नया सब्सटेंस बन जाता है जिसकी प्रॉपर्टीज पहले वाले से मुख्तलिफ होती हैं. इट इज़ ईजिली रिवर्सिबल. फिजिकल चेंज जो है ये ईजिली रिवर्स हो सकता है, यानी एक चीज़ को जब हमने उसकी कंपोजिशन को चेंज किया है तो उसको दोबारा से हम वैसे ही उसकी पहले वाली शक्ल में ला सकते हैं. लेकिन केमिकल चेंज में ऐसा नहीं होता. इसमें जो है जब हमने एक बार एक केमिकल चेंज ले आए हैं उसकी कंपोजिशन में सब्सटेंस को चेंज कर दिया तो वो दोबारा से रिवर्स नहीं हो सकता, बल्कि वो अपनी पहले वाली शक्ल को खो देता है और एक न्यू सब्सटेंस जनरेट हो जाता है. इम्पैक्ट ऑफ कम्बशन ऑन इन्वायरमेंट. हमारे इन्वायरमेंट के ऊपर जो कम्बशन है उसका क्या असर पड़ता है, ठीक है, कम्बशन का हमारे इन्वायरमेंट पे क्या असर होता है, तो इसको आज हम डिस्कस करेंगे. कम्बशन इंक्लूड्स बर्निंग ऑफ फ्यूल. इसमें हमने जैसा कि पीछे डिस्कस किया है कि बर्निंग ऑफ फ्यूल जो है ये कम्बशन है. द एनर्जी नीड्स इन ऑलमोस्ट ऑल द फील्ड्स एंड डोमेस्टिक सेटअप इज मेट बाय बर्निंग ऑफ फ्यूल. जो एनर्जी नीड्स हैं तमाम फील्ड्स के अंदर, डोमेस्टिक सेटअप्स के अंदर, तो ये बर्निंग ऑफ फ्यूल इनमें होती ही होती है. ऑन द अदर साइड द गैसेस एमिशन ड्यूरिंग बर्निंग ऑफ फ्यूल. जब भी किसी फ्यूल को बर्न किया जाता है तो उसके अंदर से जो गैसेस एमिट होती हैं तो ये प्राइमरी सोर्स है इन्वायरमेंटल पोल्यूशन का. उसकी वजह से इन्वायरमेंट जो है वो आलूदा हो रही है. तो हमारे पास नीचे टेबल दिया गया है, रिवील्स डिफरेंट काइंड्स ऑफ गैसेस एमिशंस फ्रॉम कम्बशन एंड देयर इफेक्ट्स ऑन एनवायरनमेंट. और यहाँ पे हमें बताएंगे कि कम्बशन जो है गैसेस एमिशन कैसे हो रही है कम्बशन से और उनका एनवायरनमेंट पे कैसा इफेक्ट पड़ रहा है, ठीक है. प्रोडक्ट्स ऑफ कम्बशन है कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, वाटर वेपर्स एंड मिथेन. जब ये प्रोडक्ट्स कम्बस्ट होते हैं, ठीक है, कम्बशन हो रही है तो इन्वायरमेंट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, इंक्रीज ग्रीन हाउस इफेक्ट विच काज ग्लोबल वार्मिंग. इसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग होगी, गर्मी बढ़ जाएगी और इस तरह के जो है इफेक्ट होंगे. कार्बन मोनोऑक्साइड है, पर्टिकुलेट, डस्ट, सूट, फ्यूम्स एटसेट्रा. इनकम्प्लीट कम्बशन प्रोड्यूस कार्बन मोनोऑक्साइड. जब पूरी तरह एक चीज़ कम्बशन नहीं हो रही, चीज़ की कम्बशन नहीं हो रही पूरी तरह, इनकम्प्लीट कम्बशन है, तो वहाँ से क्या कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस होती है जो एक पॉइजनस गैस है, जहरीली गैस है. कार्बन मोनोऑक्साइड एंड पर्टिकुलेट काज स्मोग इन द एनवायरनमेंट. उसकी वजह से जो इन्वायरमेंट है उसके अंदर स्मोग प्रोड्यूस होता है. आपने अक्सर सर्दियों में सुना होगा कि कभी सुना होगा कि ये फोग है, कभी सुना होगा नहीं ये फोग नहीं ये स्मोग है, ठीक है. तो स्मोग जो है वो अच्छी नहीं होती, ठीक है, उसकी वजह से आइज़ को मसला बन जाता है, स्किन को मसला बन जाता है. सल्फर ऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड एंड वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो हैं ये, इसकी वजह से स्मोग और एसिड रेन होती है, ठीक है, ये दोनों ही डेंजरस हैं. उसके बाद है लेड और सल्फर जो है ये ट्रेस एलिमेंट्स हैं और इनका क्या असर होता है. लेड एंड सल्फर आर पोटेंशियल कार्सिनोजेंस. ये कार्सिनोजेंस हैं, देयर एग्जिस्टेंस इन एनवायरनमेंट कॉज फेटल डिजीज लाइक कैंसर. और अगर ये एनवायरनमेंट में मौजूद होंगे तो इनकी वजह से बहुत सारी महलक बीमारियां लग सकती हैं, जैसे कैंसर हो सकता है, ठीक है. कंपाउंड ऑफ हाइड्रोजन विद फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन. हाइड्रोजन का कोई भी कंपाउंड जिसके साथ फ्लोरीन होगा, क्लोरीन होगा, ब्रोमाइन होगा, आयोडीन होगा, तो इसकी वजह से ये क्या है, पोटेंशियल कार्सिनोजन है और इसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग होगी. तो केमिकल इक्वेशन, द रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ सिंबल्स, फॉर्मूला एंड साइन इज कॉल्ड केमिकल इक्वेशन. केमिकल रिएक्शन जो होता है उसकी अगर हम रिप्रेजेंटेशन करें, उसको रिप्रेजेंट करें, उसको दिखाएं, कैसे दिखाएं, उसके सिंबल्स के थ्रू, उसके फार्मूला के थ्रू, उसके साइंस के थ्रू, तो उसको हम केमिकल इक्वेशन कहते हैं. अ केमिकल इक्वेशन इज़ यूज टू डिस्क्राइब केमिकल रिएक्शन. ये किस लिए यूज़ होती है, ये केमिकल रिएक्शन को डिस्क्राइब करने के लिए यूज़ होती है. इन अ केमिकल इक्वेशन द फार्मूला और सिंबल्स ऑफ रिएक्टेंट्स आर रिटन ऑन द लेफ्ट हैंड साइड. अगर हम कोई भी केमिकल इक्वेशन कर रहे हैं तो उसका फार्मूला और सिंबल जो है रिएक्टेंट्स के, ठीक है, वो लेफ्ट हैंड साइड पे राइट किए जाएंगे और जो फार्मूला सिंबल प्रोडक्ट्स के हैं, जो प्रोडक्ट हमें हासिल हुआ है, तो वो हमें राइट हैंड साइड पे. यहाँ पे हमारे पास सल्फर और ऑक्सीजन जो है ये हमारे पास रिएक्टेंट्स हैं, ये आपस में रिएक्ट करेंगे, ठीक है, तो ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड पे हमने लिखा है इनको. और जब रिएक्ट करेंगे तो इनके इनका जो प्रोडक्ट रिलीज होगा, जो प्रोडक्ट बनेगा, वो राइट हैंड साइड पे शो होगा, उसके सिंबल्स और फार्मूला राइट हैंड साइड पे लिखे जाएंगे. द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स आर सेपरेटेड बाय एन एरो. इन दोनों को कैसे सेपरेट किया जाता है, एक एरो के जरिए. तो हमें पता चल जाता है कि एरो के इस वाली साइड पे, लेफ्ट साइड पे जो है वो रिएक्टेंट्स हैं और राइट साइड पे प्रोडक्ट्स हैं, विच इज़ डायरेक्टेड टूवर्ड्स द प्रोडक्ट्स. और वो प्रोडक्ट्स की तरफ टूवर्ड्स होता है, यानी उसका फेस जो होता है वो प्रोडक्ट्स की तरफ है. फॉर एग्जाम्पल द पिक्चर गिवन बिलो शोज द रिएक्शन ऑफ सल्फर विद ऑक्सीजन टू फॉर्म सल्फर डाई ऑक्साइड.
तो हमारे पास सल्फर और ऑक्सीजन जो है ये रिएक्टेंट्स हैं, और ये क्या प्रोडक्ट फॉर्म कर रहे हैं, ये सल्फर डाइऑक्साइड बना रहे हैं, ठीक है। द केमिकल इक्वेशन फॉर दिस केमिकल चेंज और केमिकल रिएक्शन इज एज फॉलोज। एस जो है ये सल्फर को रिप्रेजेंट करता है, ओ टू ऑक्सीजन को, और सल्फर डाइऑक्साइड SO2 इन्होंने बना दिया। इन दिस केमिकल चेंज सल्फर एंड ऑक्सीजन आर कॉल्ड रिएक्टेंट्स। तो हमारे पास सल्फर और ऑक्सीजन जो है ये रिएक्टेंट्स हैं, एज दे टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन, एंड सल्फर डाइऑक्साइड इज द प्रोडक्ट ऑफ रिएक्शन, और इस रिएक्शन का प्रोडक्ट जो था वो सल्फर डाइऑक्साइड बन गया। इन द केमिकल इक्वेशन ऑफ दिस रिएक्शन इंडिकेट्स द सॉलिड स्टेट। अब हमारे पास ये जो एस यहाँ पे लिखा हुआ है, ये जी लिखा हुआ है ब्रैकेट में, तो ये क्या रिप्रेजेंट करता है। एस जो है ये सॉलिड स्टेट को इंडिकेट करता है कि जो सल्फर है वो सॉलिड स्टेट में है, ठीक है। और जी जो है वो इंडिकेट करता है कि ऑक्सीजन जो है ये गैशियस जो है उस स्टेट में है, यानी गैस फॉर्म में है। तो एंड एस ओ टू जो है सल्फर डाइऑक्साइड वो भी गैस फॉर्म में है, ठीक है। सल्फर डाइऑक्साइड इज अ क्वाइट डिफरेंट थिंग फ्रॉम सल्फर एंड ऑक्सीजन। सल्फर डाइऑक्साइड जो है वो सल्फर और ऑक्सीजन से टोटली डिफरेंट जो है वो चीज़ है। सिमिलरली व्हेन जिंक मेटल रिएक्ट विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड, अगर हमारे पास जिंक मेटल जो है वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी HCl के साथ रिएक्ट करेगा, जिंक क्लोराइड इज फॉर्म्ड एंड हाइड्रोजन गैस इज गिवन ऑफ। तो हमारे पास जिंक क्लोराइड बनेगा और साथ में हाइड्रोजन गैस जो है वो गिवन ऑफ हो जाएगी, निकल जाएगी। दिस केमिकल चेंज कैन बी रिप्रेजेंटेड बाई केमिकल इक्वेशन। इसकी केमिकल इक्वेशन क्या होगी, जिंक का हमारे पास जो सिंबल है वो है Zn, ठीक है, जिंक। तो ये S जो है ये सॉलिड फॉर्म में होगा, सॉलिड स्टेट में होगा। टू हाइड्रोक्लोरिक एसिड है हमारे पास, टू मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये हमारे पास एक्वस फॉर्म में है यानी लिक्विड फॉर्म में। जिंक क्लोराइड हमारे पास बन गया और हाइड्रोजन गैस जो है वो रिलीज हो गई। इन दिस केमिकल चेंज जिंक एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड आर द रिएक्टेंट्स। हमारे पास जिंक और हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्टेंट्स हैं, और जिंक क्लोराइड और हाइड्रोजन जो है ये हमारे पास प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है, क्योंकि ये एज अ रिजल्ट हमारे पास प्रोड्यूस हुए केमिकल रिएक्शन में। इन द केमिकल इक्वेशन ऑफ दिस रिएक्शन एस इंडिकेट सॉलिड स्टेट, ए क्यू यानी एक्वस इंडिकेट्स द एक्वस स्टेट डिजोल्व इन वाटर, यानी वाटर में डिजोल्व हुआ हुआ, ठीक है। एंड जी जो है ये हमारे पास गैशियस स्टेट को इंडिकेट करता है। द केमिकल इक्वेशन ऑल्सो शोज वन मोल ग्राम एटम, ये हमारे पास वन मोल को भी शो करता है यानी ग्राम एटम को। जिंक रिएक्ट्स विद टू मोल्स ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ इसने जो है वो रिएक्ट किया था, ठीक है, टू फॉर्म वन मोल जिंक और वन मोल ऑफ हाइड्रोजन गैस हमारे पास बन गए। तो फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज तो देखते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं और केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज आर ड्यू टू फिजिकल बिहेवियर ऑफ सब्सटेंस। किसी भी सब्सटेंस का जो फिजिकल बिहेवियर है, तो उसका फिजिकली बिहेवियर कैसा है, तो उसको हम फिजिकल प्रॉपर्टीज कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल सम सब्सटेंसेस एग्जिस्ट इन सॉलिड स्टेट। एग्जाम्पल के तौर पर कोई भी सब्सटेंस है अगर वो सॉलिड स्टेट में है, ठीक है, सम एग्जिस्ट इन लिक्विड स्टेट, कोई जो है वो लिक्विड स्टेट में है, कोई गैसियस स्टेट में है नॉर्मल टेम्परेचर और प्रेशर पे, ठीक है, तो वो उसकी स्टेट जो है, उसकी स्टेट्स जो है वो फिजिकल प्रॉपर्टीज है, हैंस स्टेट इज अ फिजिकल प्रॉपर्टी। सिमिलरली कलर, टेस्ट, ओडोर, इलास्टिसिटी, स्ट्रेंथ, डेंसिटी, हार्डनेस, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, सॉल्युबिलिटी, कंडक्टेंस आर द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। किसी भी चीज़ का जो उसका कलर है, उसका टेस्ट है, उसकी स्मेल है, उसके अंदर लचक है या नहीं है, वो कितना सख्त है, उसकी डेंसिटी कितनी है, हार्ड है या सॉफ्ट है, उसका मेल्टिंग पॉइंट कितना होगा, अगर हम कितने टेम्परेचर पर उसको मेल्ट करें तो वो मेल्ट हो जाएगा सही से, बॉइलिंग पॉइंट कितना है, उसकी सॉल्युबिलिटी क्या है, उसकी कंडक्टेंस क्या है यानी कि वो कंडक्टर है या नहीं, तो ये सारी चीज़ें जो है ये उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में आ जाती हैं। तो वहाँ यहाँ पर वी वुड डिस्कस हेयर अ फ्यू ऑफ देम, कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को हम यहाँ डिस्कस करने जा रहे हैं, ठीक है। सबसे पहला है हार्डनेस। द हार्डनेस ऑफ मटेरियल इज इट्स एबिलिटी टू विदस्टैंड स्ट्रेचिज एंड वियर। हार्डनेस किसी भी मटेरियल की हार्डनेस जो है वो ये शो करती है कि इसके ऊपर हम स्क्रैचेस लगा सकते हैं या नहीं। अ सब्सटेंस कैन स्क्रैच ऑल अदर सब्सटेंसेस दैट आर सॉफ्टर देन इट। एक सब्सटेंस दूसरे को स्क्रैच कर सकता है जो उससे ज़्यादा सॉफ्ट होता है, ठीक है, बट कैन नॉट स्क्रैच दोज दैट आर हार्डर, लेकिन उस जो हार्ड होता है उससे ज़्यादा उसको वो स्क्रैच नहीं कर सकता, ठीक है। डायमंड एंड ग्रेफाइट आर द टू फॉर्म्स ऑफ कार्बन। डायमंड और ग्रेफाइट जो है यहाँ पे आपको पिक्चर्स में भी शो किया गया, ये दोनों जो है ये कार्बन की फॉर्म्स हैं, कार्बन की टाइप्स हैं, ठीक है। डायमंड इज एक्सट्रीमली हार्ड, डायमंड जो है ये सख्त होता है एंड कैन ओनली बी कट बाय अदर डायमंड, तो इसको हम दूसरे डायमंड से ही कट कर सकते हैं, किसी और चीज़ से नहीं। ग्रेफाइट जो है ये सॉफ्ट होता है। तो उसके बाद है सोलबिलिटी।
सोलबिलिटी इज अ सब्सटेंस इन अ सॉल्वेंट यूजुअली लिक्विड. कोई भी सब्सटेंस जो है वो हम सॉल्वेंट में, सॉल्वेंट क्या होता है, ज़्यादातर लिक्विड चीज़ें जो होती हैं उनको सॉल्वेंट बोला जाता है. तो इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ दैट सब्सटेंस विच कैन बी डिसॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर एंड प्रेशर. एक पर्टिकुलर टेम्परेचर और प्रेशर पे एक सॉल्वेंट के अंदर हम कोई भी मतलब के सोल्यूट ऐड कर देते हैं, ठीक है, कोई भी सब्सटेंस ऐड कर देते हैं. तो वाटर इज़ द मोस्ट कॉमन सॉल्वेंट बिकॉज अ लार्ज नंबर ऑफ सब्सटेंसेस कैन डिसॉल्व इन इट. वाटर जो है ये सबसे ज़्यादा कॉमन सॉल्वेंट है क्योंकि इसके अंदर हम बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो डिसॉल्व कर सकते हैं. शुगर डिसॉल्व कर सकते हैं, नमक डिसॉल्व कर सकते हैं और इस तरह की बहुत सारी एग्जांपल्स, ठीक है. द सब्सटेंसेज दैट डू नॉट डिसॉल्व इन वाटर मे बी सॉल्वेबल इन अदर सॉल्वेंट्स. तो जो चीज़ें पानी में हल नहीं होती तो हो सकता है वो किसी और सॉल्वेंट में हो जाए, किसी और लिक्विड में हो जाए, ठीक है. उसके बाद है जी हमारे पास मेल्टिंग पॉइंट. मेल्टिंग पॉइंट इज द स्पेसिफिक टेम्परेचर फॉर अ सॉलिड एट विच इट बिगिंस टू मेल्ट. को ऐसा टेम्परेचर स्पेसिफिक जिस पे जाके सॉलिड, कोई भी सॉलिड चीज़ जो है वो उस टेम्परेचर पे जाके मेल्ट होना स्टार्ट हो जाए तो वो उसका होता है मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है. तो जैसा कि अगर हम मक्खन को अपने हाथ पे रखें तो वो मेल्ट होना शुरू हो जाएगा क्योंकि हमारे हैंड का जो टेम्परेचर है, हमारा बॉडी का जो टेम्परेचर है वो उसके लिए उसका मेल्टिंग पॉइंट है, ठीक है. आइस का भी ऐसे ही, आइस को अगर हम रूम में रूम टेम्परेचर पर रख दें तो वो मेल्ट हो जाएगी, ठीक है. तो जो कैंडल है जब हम उसके ऊपर कैंडल को जलाते हैं, ठीक है, तो वो उस हीट पे मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएगी. अ टेम्परेचर एट विच सॉलिड स्टेट ऑफ सब्सटेंस इज इन इक्विलिब्रियम विद इट्स लिक्विड स्टेट एट स्टैंडर्ड प्रेशर इज कॉल्ड मेल्टिंग ऑफ दैट सब्सटेंस. एक ऐसे टेम्परेचर पे जब सॉलिड सब्सटेंस जो है, सॉलिड स्टेट किसी भी सब्सटेंस की जो है वो इक्विलिब्रियम में लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट होने लग जाए तो वो उसका मेल्टिंग पॉइंट होता है. फॉर एग्जांपल द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ वाटर, वाटर का मेल्टिंग पॉइंट जो है वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड है, ठीक है. उसके बाद है बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है. बॉइलिंग पॉइंट इज द स्पेसिफिक टेम्परेचर फॉर लिक्विड. बॉइलिंग पॉइंट एक लिक्विड का ऐसा टेम्परेचर है जहाँ पे वो बॉयल होना शुरू हो जाएगा और लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो गया, वहाँ से गैशियस स्टेट में यानी वाटर वेपर की फॉर्म में भाप बन के उड़ना स्टार्ट कर देगा. द टेम्परेचर एट विच द वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड बिकम्स इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड बॉइलिंग पॉइंट. जब वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर में के इक्वल हो जाएगा लिक्विड जो है उसके वेपर बन जाएंगे और उड़ जाएगा तो वो उसका क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट होगा. फॉर एग्जाम्पल बॉइलिंग पॉइंट, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट क्या है, वाटर को जब हम 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे बॉइल करते हैं तो वो इवेपोरेट हो जाता है. यहाँ पे हमारा टॉपिक खत्म होता है, बल्कि केमिकल प्रॉपर्टीज को भी देख लेते हैं. केमिकल प्रॉपर्टीज को देखते हैं. केमिकल प्रॉपर्टीज आर एसोसिएटेड विद केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ सब्सटेंस. ये किसी भी सब्सटेंस का जो केमिकल स्ट्रक्चर है उसको एसोसिएट करता है. चेंज इन केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सब्सटेंस इज कॉल्ड केमिकल चेंज और केमिकल रिएक्शन. किसी भी सब्सटेंस के अंदर जो केमिकल प्रॉपर्टीज में चेंज आता है या उसके सब्सटेंस के अंदर, तो उसको हम केमिकल चेंज कहते हैं या फिर वो केमिकल रिएक्शन कहते हैं, ठीक है. अगले टॉपिक में मिलेंगे. अल्लाह हाफिज़.